बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, ये है मेरा करवा चौथ की प्रिपरेशन का सेकेंड व्लॉग। और अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज का अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगाने, क्योंकि अभी मुझे जाके मैं फ्री हुई हूँ। आशवी आलस को मैंने सुला दिया है तो मुझे, मेरे पास यही टाइम है कि मैं अपनी मेहंदी लगा पाऊँ। तो 12 बज रहे हैं और मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करने वाली हूँ। वो निक्की लगाएगी मेरी मेहंदी एक हाथ में और एक हाथ में मैं खुद लगा लूँगी। तो बस अभी हम लोग मेहंदी लगाएंगे। और मैं, पता है, मार्केट भी गई थी लेकिन मैं वहाँ पे मेहंदी नहीं लगवा पाई, क्योंकि मैं हर साल तो वैसे बाहर से लगाती थी या फिर कुछ लगाने वाली को बुला लेती थी घर पे, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई क्योंकि आशवी आलस के वजह से वो लोग, दिन में अगर मैं लगाती तो वो लोग तुरंत ही मेरी मेहंदी ख़राब कर देती और रचने भी नहीं देती। इसलिए मैंने रात में लगानी हूँ ताकि मैं रात में लगा के सो जाऊँ और वो थोड़ी सी मतलब रच जाए। तो बस यही है। और मैं आज मार्केट भी गई थी। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। आज मैं सुबह मार्केट गई और फिर उसके बाद मैंने पार्लर वाली को आज घर पे ही बुला लिया था। तो मैंने आज, एलिस की दरअसल थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं पार्लर नहीं जा पाई थी, तो मैंने पार्लर वाली को कॉल करके घर पे ही बुला लिया था। तो मैंने घर पे ही अपना फेशियल एंड ऑल सब कुछ करवा लिया है। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे कि मार्केट भी गई थी उसके बाद मैं, हम लोग शाम को निकले मार्केट से सब देखते देखते सामान लेते लेते ऑलमोस्ट रात हो गई थी धीरे धीरे। फिर मैं रात में शॉपिंग भी करी और फिर बहुत लेट भी हो गई थी घर में आके। आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था आज का दिन। तो बस यही है। करने से पहले, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स तो मिल गाइस, पाए। ये देखिए मैंने लगाया हेयर मास्क अपने बालों में और इसमें मैंने लगाया अंडा और दही। मैं लगाते टाइम तो रिकॉर्ड करना भूल गई और यही है बस। और इसको भी मैंने लगाया। अभी तक तो नवरात चल रहे थे तो हम लोग एग वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे, तो अभी नवरात ख़त्म हुए तो मैंने कहा कि लगा लेते हैं, थोड़ा बालों का भी कर लेते हैं क्योंकि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मतलब मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इसीलिए मैंने कहा लगा लेते हैं तो इससे बाल भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे। तो बस ये लगाया हेयर मास्क, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पहले यहाँ पे देखिए मैं घर पे ही फेशियल करवा रही हूँ। यहाँ पे मेरे घर के पास एक पार्लर है तो वहाँ ही से मैंने बुला लिया था, तो यहाँ पे वो घर पे ही आके मेरी फेशियल, थ्रेडिंग एंड क्लीनअप वगैरह सब घर पे ही करवा लिया था, क्योंकि एलिस की इतनी तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे बाहर जाने में बहुत मुश्किल थी, तो इसलिए मैंने घर पर बुला लिया और घर पर बहुत आराम से हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं मार्केट और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, जैसे करवा वगैरह ख़रीदा मिट्टी का। और वैसे तो मेरे पास मेरा घर का करवा है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था चांदी का, उससे करते हैं, लेकिन एक भगवान जी के लिए करवा लिया जाता है तो वो लिया। और कुछ और चीज़ें लीं, पूजा में जो सामान यूज़ होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी। और बस यहाँ पर और थोड़ा एक्स्ट्रा भी देखा, कुछ ईयरिंग्स वगैरह देखे, क्योंकि बाहर जाओ तो मन ने मतलब आप कुछ भी लेने जाओ लेकिन से एक्स्ट्रा ही आप लेके आते हो क्योंकि बाहर अलग अलग चीज़ें दिख जाती हैं। तो यहाँ पे मैं और निक्की थोड़ा सा शॉपिंग करें और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। और यहाँ पे देखिए हम लोग आए थे यहाँ पे करवा लेने के लिए। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि अब मार्केट में उतनी ज़्यादा मतलब लोग इतने ज़्यादा डर नहीं रहे हैं कोरोना से, और पहले से काफ़ी भीड़ भी थी मार्केट में और हम लोग भी थे, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन तो रखना पड़ रहा था कि चीज़ों को कम से कम छुएं और एक दूसरे के पास ज़्यादा क्लोज ना खड़े हों। लेकिन मैं देख रही हूँ अब पहले से मार्केट में भीड़ भी है और शायद ये फेस्टिवल के वजह से भी है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर थालियाँ मिल रही थी पूजा की और करवा मिल रहा था, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास थाली थी तो मैंने थाली तो नहीं ली है। तो और जो बेसिक सामान की दूसरी ज़रूरत थी वो सारी शॉपिंग हम लोगों ने करी।
ये देखिए मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है हम लोग की करवा चौथ के लिए, और स्टार्टिंग हुई है एलिस से। अब लगवा रही है आशवी। आशवी तुम मेहंदी लगवा रही हो, किससे लगवा रही हो? माशी से लगवा ली हो। आशी तुम मेहंदी लगा रही हो, किससे लगवा ली हो? माची से। एलिस तुम अपनी मेहंदी छुटा रही हो क्या? और उसको और लगा दो भाई, इसमें दो चुमने हैं। आप छुटा दोगे इसको? कौन? एलिस आप नहीं छुटाना, ठीक है? ना, मैंने नहीं छुटाई एलिस। एलिस को और लगा दो भाई, एलिस और लगाएगी। एलिस क्या लग रहा है? ये लग गई है आशी, शो आशी मी, शो शो मी। मी, शो मी, शो मी, ये आशी, शो मी, चलो शो मी। और मेहंदी इधर इधर इधर। वाओ अब हैंड इसमें लग इधर लगा दो। फिंगर बस अभी मेरे इतनी ड्राई हो जाए, फिंगर में तो लगा दो आप खराब मत करिएगा। दादी मैं मेहंदी। गुड बाय। एलिस भी लगाया गांव वाला। ये तो एलिस नहीं लगा था। नहीं एलिस भी लगा। बोल बच्चन। बोल बच्चन, गाना आ रहा। हाँ ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, और इसमें एक बार ये यहाँ पे बर्बाद भी हो चुकी है क्योंकि इसमें आलस आके पूरा सर से लेट गई है अपना, और ये और आले मुझे हाथ इतनी में अच्छी भी तो आती नहीं है, तो मैंने YouTube से ही देख देख के लगाई है ये मेहंदी। ये आले हाथ में भी खराब हो चुकी है, दोबारा लगी है। हाँ उस हाथ में पूरा आलस ने अपना हाथ मार दिया है, और इस हाथ में आलस आके लेट चुकी है, अपना पूरा सर मार चुकी है, तो ये यहाँ पे खराब भी हो चुकी है थोड़ा, लेकिन मैंने तब भी सही कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी मेहंदी लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने हाथ में लगा रही हूँ, और उतनी देर में निक्की मेरे पैरों में मेहंदी लगा रही है। तो यहाँ पे वही जैसे मैंने बताया था, रात बहुत हो चुकी है, सब लोग सो रहे थे और हम लोग अपने मेहंदी सेशन में बिज़ी थे, तो बस यही है। और हम लोग मेहंदी लगाते लगाते कुछ बात करते जा रहे हैं, और यही है बस। ये लग गई है मेरी मेहंदी, और अभी बज रहे हैं रात के 2:30, 12 बजे से लगाना स्टार्ट किया था, और रात के 2:30 बज चुके हैं। मेहंदी इस हाथ में मैंने अपने से लगाई है, और इस हाथ में मेरी निक्की ने लगाई है, और पैरों में भी निक्की ने लगाई है। तो ये है मेरी मेहंदी, और ये लग चुकी है। सो गाइस बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग। सो बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।